नहीं माँ, अरे सेन में पाँव फिसलकर गिर जाओगी तुम। अरे अम्मा कुछ नहीं होता, देखे तो मौसम कितना हसीन है। आप भी आए? ना बाबा ना, मेरे पास बहुत है काम करने को, तुम्हें तौफीक नहीं होती कुछ करने की। तो क्यों थक रही हैं? अंदर है ना अर्सला, कर लेगी वो सारे काम। कभी अपनी बहन के साथ काम में हाथ बटा लिया करो, वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, तुम्हारे लिए इतनी अच्छी अच्छी तुम्हें चीजें ला के देती है, नए नए कपड़े, मेकअप का सामान। और तो और वो जो तुम्हें अब लाके दी है उसने, वो बाल सीधे करने वाली स्त्री जो तुम हर वक्त लगी रहती हो। और बात सुनो, ये तुमने नया जोड़ा किस खुशी में पहना है? बस कोई वजह है। पूरी रात बरसता रहा है, मुझे तो डर है ये छत ही न कहीं गिर जाए, जगह जगह से तो टपक रही है। अरे अम्मा ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये छत भी हमारी तरह सख्त जान है, इतनी मुसीबतें सह कर भी देख लें एकदम पिस्ता। शुक्र करो तुम्हारे दादा ने ये छत बनवा दी थी सर छुपाने को, वरना तो किसी झोंपड़े में रह रहे होते हम लोग। बातें बनाने से अच्छा ये सहन का पानी साफ कर लो, तुम्हारे अब्बा आएंगे तो नाराज होंगे। घर पे आने के बाद उनके पास नाराज होने के अलावा और काम ही क्या? इतनी मेहनत से ये मैं पूरा सहन साफ भी कर दूंगी ना, तो अभी वो घर के किसी ना किसी कोने से कोई बहाना उठा लेंगे और गुस्सा करना शुरू कर देंगे। लो आदिब भी आ गया। सलाम अलैकुम काला। वालेकुम सलाम बेटा, खुश रहो। और तुम क्या ये बच्चों की तरह पानी में उछल कूद कर रही हो, बीमार पड़ जाओगी, इसकी दवा लेने भी तो मुझे ही जाना पड़ेगा ना। जिंदगी में कभी भी इसके मुंह से मेरे लिए कुछ अच्छा निकल जाए। जीते रहो, अल्लाह लंबी उम्र करे तुम्हारी। कैसी है खाला? मैं ठीक हूँ। खाला ने क्या भेजा दिखाओ, खुशबू तो दूर से भी बड़ी मजेदार आ रही है। तुम्हें पता है मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। न दीदी, खा लेना जो भी है, निकाल लें पहले प्लेट में इसको। हाँ बेटा, बहुत अच्छी खाने में। सुरैया बाजी को हमारा कितना ख्याल है, इस मौसम में इतनी मजे मजे की चीजें भिजवाई हैं आतिफ के हाथ। आतिफ को कौन भेजेगा, वो तो सर के बल खुद यहाँ पर हमेशा आने के लिए तैयार रहता है, दुनिया का फारिग इंसान। तुम्हारी आवाज सुन ली थी मैंने, बहुत ऊंचा बोलते हो तुम, पूरे मोहल्ले को पता चल गया था कि तुम आए। मोहल्ले की खबर तो नहीं है मुझे, अलबत्ता जिसको पता चलना चाहिए था उसको पता चल गया। ज़ाहिर है सारे दिन गेट पे कान लगाए जो बैठी रहती है। खुशफहमी है आपकी, यहाँ पे किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है, बहुत काम होता है, सुबह से शाम होते पता ही नहीं चलता, हजार काम होते हैं। तो सारा दिन खुद क्यों कामों में लगी रहती हो तुम, उस नकम्मी को भी लगाया करो ना कामों पे, जब भी हम फारिग बैठी होती है। करती है वो काम, अभी छोटी है, जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। और ये देखो कितनी सारी चीजें खाला ने बना के भेज दी। फरमाइश करके सारी तुम्हारी पसंद की चीजें बनवाई हैं मैंने, और सीधा यहाँ पर चला आया। चक्की तक नहीं है मैंने ये। नहीं माँ यही कही थी, अभी तो शोर मचाए थे, ढूंढती हूँ उसे। ये रंग तुम पे कितना सूट कर रहा है, तुम्हें पता है पीला रंग मुझे आज से पहले कभी भी अच्छा नहीं लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। सुरैया बाजी के हाथ में बिल्कुल अम्मा मरुमा वाला जायका है, बहुत मजे का है। सबर नहीं हुआ ना तुमसे, खाला ऐसा करें इसको दे दें पहले, वरना घर में बेचैन फिरती रहेगी पूरा दिन। कोई तुम्हारे घर का खाना खाने के लिए मर नहीं रहा है, मैं सिर्फ अरसला से जायका पूछने आई थी, क्या हुआ जायका?
मेरी जान तुम बैठो तो सही, देखो खाला के घर से कितनी सारी चीजें आई। ये लो। ये ज्यादा गुस्सा नहीं आना शुरू हो गया आजकल से? है ना, क्या हुआ? ऐसे लग रहे जैसे हाफ फ्राइड अंडा नहीं होता। इधर आ, बैठो। नहीं माँ, आतिफ तुम भी ना, बच्ची है वो, बर्दाश्त नहीं है उसमें। अम्मा मैं नईमा को वहीं खाना लेके आती। हाँ बेटा, चाहती है उसको। नईमा, मम्मी काफी आपको पूछे भी काला, काफी दिन हो गया आपका हमारे यहाँ चक्कर नहीं लगा। आऊंगी बेटा, बस घर के धंधे। जी खाला, मैं अच्छा। नईमा, नईमा नईमा, दरवाजा खोलो मेरी जान, मजाक पर गुस्सा नहीं करते। और ये आतिफ का तो तुम्हें पता है, कुछ भी बोलता रहता है। नहीं माँ, नहीं माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, खुदा के वास्ते बाहर आ जाओ। सुना तुमने, माफी मांग रहा है वो। अच्छा मैं खाना रख के जा रही हूं, खा लेना। बहुत जल्दी है ये, अब देखना शाम तक कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। और आतिफ तुम? खाला ने आने का कहा है, तुम भी आना सर, इंतजार करूंगा तुम्हारा, इंतजार करूंगा मैं। अच्छा चलता हूँ अब, बारिश ना शुरू हो जाए दोबारा। वैसे भी खालू के आने का वक्त हो गया, मुझे देखते ही सबसे पहले उन्होंने पूछना है कि नौकरी मिली या नहीं। इंशाल्लाह मिल जाएगी, चलता हूँ मैं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जरूर आना। किसको ये हाल सुनाऊं, किसको खामोशी कैसी है ये खामोशी। अर्सला का चमचा आया था सॉरी करने, साफ लग रहा था कि अर्सला को खुश करने के लिए मुझसे माफी मांग रहा है। अगर अब भूख भी तो बर्दाश्त नहीं हो रही, कहीं बेहोशी ना हो जाऊं। अर्सला कह तो रही थी कि खाना बाहर रख रही है।
साबिर भाई का आधा बोझ अरसला ने अपने कंधों पर ले रखा है। इतनी मेहनत करती है बेचारी बच्ची कि क्या बताऊं? आसपास के सारे घरों के कपड़े वो ही सीती है। उस इलाके में मजदूरी सिलाई इतनी कम मिलती है कि क्या बताया जाए। मुझे तो बड़ा ही तरस आता है बेचारी पर। बस एक बार शादी हो ले, मैं उसे किसी काम को हाथ नहीं लगाने दूंगा। और सिलाई मशीन वो तो घर में रखने की इजाजत ही नहीं होगी। आपके और उसके कपड़े दोनों के दर्जी के पास जाया करेंगे। और कम से कम दो मुलाजिम रखूंगा मैं। वो बैठ के सिर्फ हुक्म चलाया करेगी, ये करो वो करो, ये लाओ खाना लाओ चाय लाओ। ये चिल्ली बस करो। बस मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि जल्द से जल्द मैं बड़ी अच्छी सी नौकरी मिल जाए, फिर मैं एक दिन भी नहीं लगाऊंगी अरसला को इस घर में दुल्हन बना के लाने में। बस नौकरी तो अब मिले ही, समझी। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ मेरा, इस बार बहुत उम्मीद है मुझे। बस इंशाल्लाह आप देखिएगा। अम्मी, ऐसे जब अरसला इस घर में आ जाएगी तो ये घर कितना अच्छा लगेगा ना। हम बहुत खुश रखेंगे उसे इंशाल्लाह। बस तुम साबिर भाई से बात करो ना, मैं अरसला और आतिफ की शादी जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। उनसे कहो कि अब हमें और इंतजार ना करें। अरसला की शादी अभी नहीं हो सकती आपा, साबिर नहीं मानेंगे, अंदाजा है मुझे। आप भी तो जानती है ना उन्हें। नहीं नहीं, तुम उनसे कहो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बस अरसला दे दें। अरसला ही हमारे लिए सब कुछ है। उनसे कहना जहेज की कोई फिक्र ना करें, बिल्कुल भी नहीं। बात जहेज की नहीं है आपा, साबिर की आमदनी से घर थोड़ी चलता है। वो तो अरसला दिन रात कपड़े सीती है तब जाके घर में कोई चार पैसे इजाफे आते हैं। क्या उन चंद इजाफे पैसों के लिए तुम अरसला की शादी नहीं करोगी? करूंगी शादी, क्यों नहीं करूंगी, जरा हालात थोड़े से बेहतर हो जाए। हाँ एक तरीका है। क्या, जल्दी बताओ ना। आप अरसला के बजाय नईमा का रिश्ता मांग लें आतिफ के लिए, साबिर भी मान जाएंगे और इस तरह हमारी फिक्र भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्या कह रही तुम शहनाज, ऐसा कभी सोचना भी नहीं। मैंने तो बचपन में अरसला को मांग लिया था आतिफ के लिए, और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि आतिफ कितनी मोहब्बत करता है अरसला से। वो सारी जिंदगी बैठा रहेगा अरसला के इंतजार में, लेकिन नईमा से शादी नहीं करेगी। काश खाला उस दिन अम्मा की बात मान ही लेती। अरे शनाज जल्दी करो भाई, अब फैक्ट्री से लेट हो रहा हूं मैं। अच्छा अच्छा ला रही हूँ। फैक्ट्री मेरे अब्बा की नहीं है, मुलाजमत करता हूँ मैं यहाँ, मुलाजमत। तो तुम इसको नहीं है। बड़ी नहुसत है हमारे घर में, मजाल है जो एक लम्हा मिलता हो सुकून का। लोगों के घरों में क्या क्या रहमतें होती हैं, बरकतें होती हैं, और यहां बद मजा चाय और पराठा। पराठा तो इस घर में किसी को बनाना ही नहीं आता। बद मजा चाय और पराठा, पराठा तो हमारे घर में किसी को बनाना ही नहीं आता। फैक्ट्री से लोग फारिग किए जा रहे हैं, देखना एक दिन मेरी भी नौकरी चली जाएगी, उस दिन तुम लोगों को आटे दाल का भाव पता चलेगा। अभी तो खूब पेट भर के खाने को मिल रहा है ना। वो तो पुराने होने की वजह से लिहाज करते हैं, वरना फैक्ट्री में आधे लोग फारिग हो गए हैं। नौकरी खत्म हो गई ना तो पाके करोगे तुम सब लोग।
रोजाना बाकी ये सारी बातें सुन सुनकर ना मुझे रट गई है। नहीं माँ, मैं तुम्हें मत कहो। ये लो, जा जाके अब्बा को पराठा देके आओ, शायद उनका मूड ही ठीक हो रहा है। जिस हिसाब से अब्बा ने फैक्ट्री से लोगों को निकाले जाने का किस्सा सुनाया है ना, उस हिसाब से मुझे लगता है कि अब तक फैक्ट्री पे ताला लग चुका होगा। नहीं माँ, मैं आपको कुछ काम कह रही हूँ, जाए। बहुत बना दो तुम लोग मुझे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। थोड़े पैसे दीजिएंगे आप खर्चे के लिए? पता नहीं किस तरह से खर्च करते हो तुम लोग। अरे चार दिन नहीं चलती पूरी तनख्वाह, ये खत्म वो खत्म। अरे पेड़ नहीं लगाया हुआ मैंने, जहां से तोड़ तोड़ कर तुम लोगों को देता रहा हूं मैं। अरसला से क्यों नहीं लेती हो? उसके पास भी तो सिलाई के अच्छे खासे पैसे होते हैं। वो कौन सा अपने पास रखती है? बिजली का बिल, गुड्डू की फीस और रोजमर्रा के रोज के खर्चे। अच्छा अच्छा, अब गिनवाने मत खड़ी हो जाओ। सारे जमाने की लड़कियां काम करती है। वो मिर्जा साहब की नवासी नर्सिंग की ट्रेनिंग लेकर गई थी सऊदी अरब, पैसे भेज रही है मसलसल, और यहाँ हाँ बस। यार सुबह सुबह शोर मचा रहता है घर में, सुकून का तो नाम ही नहीं है, सोने भी नहीं देते आराम से। अबे ओ शहजादे, सो बच्चू सो, इसलिए कि नसीब सो रहे हैं सबके। आंखें खोल कर हकीकत का सामना करने की हिम्मत नहीं है किसी में, किसी को जिम्मेदारी का एहसास नहीं। बस एक मैं हूं, गधे की तरह मशक्कत किए जा रहा हूं। एक बात कान खोल के सुन लो। अच्छा बस, फैक्ट्री को देर हो रही है, जो कुछ कहना आके कह लेना, सब बैठे सुनने के लिए। ये ले। इधर नहीं बैठो, मैंने लेटा है। हजार दफा कहा ना अपने कमरे में जाकर सोया करो, उठो। अरे देख के नहीं चला सकते, ऊपर चढ़े आ रहे हो। माफ कीजिएगा कालू, आइए मैं आपको फैक्ट्री छोड़ देता हूँ। अरे जाओ जाओ, रखो अपनी मर्सिडीज अपने पास, शुक्र है हमारे पांव सलामत हैं, इसी पे जाते हैं रोज। हाँ और सुनो, नौकरी वोकरी लगी कि नहीं? पर तुम्हारे साथ के सब लड़के नौकरी पे लग चुके हैं, तुम भी सोचो, अच्छी तरह से सोच लो। अरे गुड्डू, ये तुमने क्या टिक टिक लगाई हुई, मेरे दिमाग को लग रही है आवाज। और तुम कॉलेज क्यों नहीं गए? थोड़ी देर में जाऊंगा, शुरू के दो पीरियड फ्री हैं। अम्मा जरा हजार रुपए तो दीजिएगा, फालेने वालों की पार्टी है, उसके लिए जमा हो रहे। हजार रुपए? तुमने तो कहा था 500 रुपए। हाँ तो अपने लिए एक सस्ती सी टी शर्ट भी तो लूंगा ना, ये देखे क्या हाल हो गया, सबके कॉलर फट चुके हैं, सारे दोस्त तैयारी कर रहे हैं, मैं क्या पहन कर जाऊंगा? अगर पार्टी में नहीं जाओगे ना तो नाम नहीं कट जाएगा तुम्हारा, नहीं है फालतू चीजों के लिए मेरे पास पैसे। हमारे पास है ही क्या, ये खस्ता हाल घर, रब्बा की जली कटी बातें, ये जिंदगी है हमारी, इससे अच्छा तो पैदा ही ना होते, हर चीज के लिए दिल मारना पड़ता है। गुड्डू ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, ताने देने के लिए तुम्हारा बाप ही काफी है, अगर ज्यादा बोले ना तुम्हारी जबान खींच के रख दूंगी मैं। मैं दे दूंगी पैसे। तो
तुम्हारी पार्टी के लिए भी और कपड़ों के लिए। मुझे पता था एक अरसला बाजी है इस घर में जिनको मेरा ख्याल है। कटू तुम भी ना ऐसे बात करते हो उनसे। जा जाके कॉलेज के लिए तैयार जा। वैसे पता नहीं क्या सोच के साबिर खालू के वालिदैन ने उनका नाम रखा था। जरा भी असर नहीं है नाम का उनमें। साबिर अली सबर तो क्या करेंगे, लिहाज तक नहीं करते किसी का वो, कम से कम मेरा तो बिल्कुल भी नहीं करते। देखो बेटा तुम्हें उन्हें शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए। वो अरसला के वालिद है ना, अगर नाराज हो गए तो अरसला का रिश्ता लेने में मुश्किल होगी हमें। अम्मी अरसला का रिश्ता तय हो चुका है मेरे साथ जब हम दोनों बहुत छोटे थे। अब साबिर खालू तो क्या कोई भी हमारे दरमियान नहीं आ सकता, और ये बात बिल्कुल साफ है। अरे बेटा सुनैया बाजी अफसोस करेंगी, शिकायत करेंगी कि असला को क्यों नहीं लेकर आई, साथ चलती तो अच्छा होता ना बेटा। अम्मा अगर ये सारे कपड़े आज सिल गए तो कल पूरी रकम मिल जाएगी। मैं गुड्डू को वादा कर चुकी हूँ, और फिर खाला के घर तो कभी भी जाया जा सकता है। अम्मा ठीक ही तो कह रही है अरसला, आपको भी पता है अगर गुड्डू को पैसे ना मिले तो वो उधम मचा देगा। बेटा किसका है? अब्बा का। तुमसे किसने राय मांगी है? और तुम जो इतना बन सवर के जा रही हो, वहाँ कोई तकरीब है? हम मिलने के लिए जा रहे हैं, चलो जाके मेकअप साफ करो। अम्मा सब लड़कियाँ तैयार होकर बाहर निकलती हैं, लेकिन ये एक हमारे घर का उसूल है कि ऐसा हुलिया बनाकर बाहर निकलो कि दूसरा बंदा डर जाए। नईमा, नईमा। अम्मा आप इससे क्यों गुस्सा होती है, बच्ची है वो। देर हो रही है अम्मा, गुस्सा ना करें और जाएं। अच्छा बेटा कुंडी लगा लेना। अम्मा खाला को सलाम कहिए। अच्छा कह दूंगी। शुक्र है इतने दिनों के बाद तुम्हें बहन की याद तो आई। अरे मैं तो तबीयत की वजह से मजबूर हूँ, वरना मैं खुद आ जाती। और कह रही थी खाला के घर तो फिर भी जाया जा सकता है। बहुत मेहनत करती है अरसला, वो तो बस घर की होके रह गई, जबरदस्ती लेके आ जाती है ना उसको। ले आऊंगी ना किसी दिन, फिक्र क्यों करती हैं आप। इतना दिल चाह रहा था उससे मिलने को, तो बस घर की होके रह गई। क्या करें बाजी, काम ही बहुत होता है। आओ बैठो। आप लोग बातें करें फिर मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ। सला को ऐसा करना नहीं चाहिए था। पता है मैंने तो उसे कहा कि चल लो खाला से मिल लो, तुम्हें बहुत दिनों से याद कर रही हूँ, और हतीफ भी तो कहकर गया था कि जरूर आना, लेकिन उसे किसी की क्या परवाह। उसने कहा खाला के घर जाकर क्या होना है, सिर्फ वक्त ही तो जाया होना। तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसे कहने की?
उसकी मर्जी आए या ना आए, किसी पे जबरदस्ती है क्या? बहुत अजीब होने लगी है वो आज, अपने काम के आगे किसी को भी अहमियत नहीं देती। बहुत सारे पैसे जो कमाने लगी है आखिर, मुझे तो लगता है जैसे उसे पैसे से ही मोहब्बत होती जा रही है। तो मुझे क्यों सुना रही हो ये सब कुछ? मैंने पूछा तुमसे असला के बारे में कुछ? अगर कोई और बात करने को नहीं है ना तो जाके अंदर बैठो, दिमाग ना खाओ। मैं अच्छा ठीक है, अगर अर्सला की बात नहीं करनी तो हम नहीं करते, हम नहीं बात। चाय बनाऊं? वो तो पियोगे ना? क्या हुआ, तुम अपने गुस्से में क्यों? आओ अम्मी और नईमा तुम्हारे पास गए थे ना? तुम क्यों नहीं आई? बोल के गया था ना तुम्हें कि जरूर आना, जानती हो पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा। मैंने अम्मी को भी बोल दिया था कि तुम आ रही हो, और वो बेचारी भी, सिलाई का बहुत सारा काम था, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी पैसे की, तो मैंने सोचा फिर किसी दिन। तुमने सोचा होगा कि मेरे घर आने से तुम्हारा वक्त जाया होता है ना, और इतनी सी देर में तुम कितने पैसे बना सकती? वाह वाह, क्या चीज़ हो, मेरी मोहब्बत, मेरे एहसासात की कोई कदर या कोई वक्त है तुम्हारी नजर में? मेरी एक छोटी सी बात को भी मानना तुमने जरूरी नहीं समझा? क्यों? ऐसी कोई बात नहीं आती, तुम बिना वजह बात को बढ़ा रहे हो। बात को मैं बढ़ा रहा हूँ या बात तुमने बढ़ाई है? साफ क्यों नहीं कहती हो तुम्हें लालच पड़ चुका है, इसलिए पैसा कमाने की मशीन बन गई हो तुम? दिन रात की इस घुर घुर में एक बार भी मेरे बारे में सोचने की मोहलत नहीं मिलती, और मैं बेवकूफ समझता हूँ कि तुम मोहब्बत करती हो मुझसे? अगर तुम मेरी मजबूरियों को नहीं समझते तो मुझे तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना। अब जाओ यहां से। जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। क्यों नहीं आई थी? बोला था ना मैंने बोला था ना कि आओ, क्यों नहीं आए बताओ? तेरा नाम बताऊं किसको, ये हाल सुनाऊं किसको? आता क्या हो रहा है ये? तुम दफा हो जाओ यहां से बेशरम, निकलो यहां से, जाओ। शहनाज, वैसे हमारी नईमा भी बड़ी होके बड़ी प्यारी हो गई है ना, बचपन में तो बस ऐसे ही थी, लेकिन हाँ अब लगने लगा है कि अर्सला की बहन। आप
आप लोगों को तो सिर्फ अर्सला ही नजर आती है ना, जैसे कि वो मिस वर्ल्ड हो, और इस दुनिया में बाकी जितनी भी लड़कियां पैदा हुई हैं वो तो बस ऐसे ही पैदा हो गई हैं। अल्लाह का शुक्र है खाला, जैसी भी हूँ ना, अर्सला से तो बहुत ही बेहतर। अरे 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 नहीं भाई, नहीं नहीं, मेरी बिटिया नाराज हो गई। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी बेटा। अच्छा बेचारो, मान लिया मान लिया, बस इधर तो देखो, तुम अर्सला से ज्यादा प्यारी, ज्यादा अच्छी, और आज तो तुमने इतनी अच्छी चाय भी पिला दी हमें, किचन भी साफ कर दिया, और जितने भी गंदे बर्तन थे ना वो भी धो दिए। अरे मैं भूल ही गई बेटा, आतिफ को चाय दे दी थी। आतिफ को चाय कैसे देती, वो घर पर है ही कहाँ। हमारे आतिफ पता नहीं घर से कहाँ निकल गए। मुझे पता है वो कहाँ गया होगा, तुम्हारे घर। अर्सला जो नहीं आई, सुबह से इंतजार कर रहा था उसका। अच्छा मैं बता रही हूँ तुम्हें शहनाज, इसकी नौकरी लगते ही मैं शादी के लिए तारीख ले लूंगी तुमसे। हाँ, बहुत मोहब्बत करता है अर्सला से, बहुत खुश रखेगा उसे, सारा दिन उसी की बातें करता रहता है। कहता है आप उससे कोई काम नहीं करवाएंगी, मैं उसके लिए मुलाजिम रखूंगा। अम्मा अब कितनी देर बैठेंगे, बस चले ना, बहुत देर हो गई है, चलते हैं बस। हाँ हाँ चलते। नहीं नहीं, अभी जाने की क्या जरूरत है, बैठो ना, अभी अभी तो आए हो तुम लोग। लो देखो आतिफ भी आ गया। मैं अगर वक्त से पहले फैक्ट्री से ना आया होता, मुझे पता भी नहीं चलना था मेरे घर में क्या चल रहा है। सब तुम्हारा कसूर है शहनाज, लड़की को अकेला घर पर छोड़कर अपने लोफर भांजे को मौका फराहम किया इससे मुलाकात का। कहा भी है कई बार, इस घर से कदम बाहर मत रखो। देख लिया नतीजा। मैं कहां कहीं जाती हूँ, वो तो सुरैया बाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ी देर के लिए उनको देखने चली गई, और घर में एक हंगामा खड़ा करके रख दिया आप लोगों ने। अरे मर नहीं जाती तुम्हारी सुरैया बाजी, उसने अपने दोफर लड़के को मेरी बेटी के पीछे लगा दिया। पता है उसको वो कुछ नहीं करेगा, ये सारी उम्र कमा कमा कर खिलाएगी उसे। ऐसा ना कहें, उसे नौकरी मिल जाएगी, सुरैया बाजी कह रही थी उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, और करीबी फैक्ट्री में सुपरवाइजर की जॉब भी उसे मिल जाएगी। अरे कोई नहीं रखता ऐसे आवारा निकम्मे लड़कों को, ये खुशफहमी अपने दिल से निकाल दो शहनाज। मैंने फैसला कर लिया है। मैं अर्सला की शादी आतिफ से नहीं करूंगा। सुन लिया तुम सब ने कान खोल कर? ऐसा ना कहें अब्बा, ऐसा नहीं कहें, आतिफ की कोई गलती नहीं है, वो गुस्से में था, आपके आने से दो मिनट पहले गया था, हम सिर्फ बात कर रहे थे। आप इतना बड़ा फैसला एकदम से नहीं कर सकते। जो कुछ हो रहा था वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम फिर भी आतिफ की सफाई पेश कर रही हो। अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। आज के बाद मैं तुम्हें आतिफ के सामने भी ना देखूं। सुन लिया तुमने?
बेटा अब तुम पुरसकून हो जाओ। देखो चंद दिन में जब साबिर भाई का गुस्सा उतर जाएगा ना, तो उनके पास जाके उनसे माफी मांग लेना। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। मैं किस बात की माफी मांगू उनसे? जलील करके उन्होंने मुझे अपने घर से निकाला है, मेरी कोई गलती नहीं थी। तो तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्या थी आखिर? भाई अकेले घर में साबिर भाई तुम्हें और अरसला को देखेंगे तो गुस्सा तो उन्हें आएगा ना। मैं तो शुक्र करती हूँ अल्लाह का कि उन्होंने तुम्हारे साथ मारपीट नहीं की। बस इसी चीज की कसर रह गई थी। अरसला मेरी मंगेतर है, उन्हें और आपको ये बात याद रखनी चाहिए। किसी गैर लड़की से यूं उठा के मिलने नहीं चला गया था मैं। देखो बेटा जब तक निकाह नहीं हो जाता ना, लड़कियां गहरी होती हैं। मंगनी तो कच्चा रिश्ता होता है बेटा, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। तो फिर बांधा ही क्यों जाता है एक दूसरे के साथ, वो भी इतने लंबे अरसे के लिए? बचपन से हम दोनों एक दूसरे का नाम साथ सुनते आ रहे हैं, अरसला आतिफ, आतिफ अरसला। अब ये रिश्ता कच्चा हो गया? वाह अम्मी कमाल करते हैं आप लोग, यानी आप लोग जो भी कहें वो मान लिया जाए फिर ठीक है आपके नजदीक। आतिफ कहाँ जा रहे? वहां नहीं जा रहा, फिक्र ना करें। आतिफ रुको तो सही, आतिफ मैं अरसला की शादी आतिफ से नहीं करूंगा, कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। आज के बाद मैं तुम्हें आतिफ के सामने भी ना देखूं। अरसला सब्र करो, अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है, इतना सोचने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें पता है कि अब्बा जो फैसला कर देते हैं ना, उससे कभी भी पीछे नहीं हटते। और सुनो, अब तुम आतिफ और अपना रिश्ता खत्म ही समझो।